अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम हम रिस्पॉन्सिव देख रहे थे विजुअल्स का, ये टॉपिक हम कर रहे थे। अच्छा, ऑटो डिसेबल रिलेशन हम देख चुके थे ना, कि ऑटो डिसेबल हम कैसे करते हैं, ठीक है। और इंटरेक्शन देख रहे थे कि पावर बीआई में हमारे पास जो डाटा है वो कैसे इंटरेक्टिव करता है, कि एक को आप जब क्लिक करें तो किस तरीके से दूसरा ग्राफ ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो रहा होता है। लेकिन ये उसी वक्त होगा या तो वो दोनों डाटा जो है किसी एक टेबल में मौजूद हो, और अगर एक के अलावा दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल टेबल से मौजूद अगर है तो उनके दरम्यान आपस में रिलेशन होनी चाहिए, वन टू मैनी, किसी भी एक साइड से टेबल का रिलेशन, ठीक है। तो ये फिर काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात ना, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये चीज़ ऐसी है ना, अगर आप नहीं करेंगे तो भूलते चले जाएंगे, क्योंकि आप मैं यहाँ पे सिर्फ कर रहा हूँ ना, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, आप सिर्फ देख रहे हैं। मैंने जब सीखा था ना जिस टीचर के साथ, तो उन्होंने क्लास में ही कंप्यूटर अरेंज किया था हर स्टूडेंट्स के लिए, 8-10 स्टूडेंट थे हम लोग, तो साथ साथ वो करते थे और उसी कंप्यूटर पे फिर साथ साथ हर बंदा अपने लैपटॉप पे करता था। तो उसमें एक दो टॉपिक में ही पूरा क्लास निकलता था, लेकिन ना समझ में बहुत अच्छा आता था कि साथ साथ हम टीचर के साथ साथ कर रहे होते थे, तो ये ज़रूरी है। मैं सही बोलूँ ना, पहले दिन मैंने प्रैक्टिस की, पहले 2 दिन, उसका लास्ट 2 सेशन से सही बोलूँ नहीं कर पाया। ये फिर जो है ना मुश्किल हो फिर जाती है मैं सब। कर लूँगा, हाँ जरूर कर लूँगा। ठीक है, अभी तक कोई सही ऐसी कह रहे हो चीज़ आप। नहीं है। हाँ अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने टॉपिक को लिखा, ये फाइल में मैं आपको दे दूंगा, ताकि इससे ना आप देख के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चले, अब इसी पे देखते हैं कि हमारे पास सॉरी, अब जैसे ये ग्राफ है, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, लेट्स से सिर्फ समझाने के लिए, या इसी ग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से पेज 2 पे। अच्छा, आप देखिए सॉर्ट करना, एक्सेस को आप सॉर्ट कैसे करेंगे। अभी जैसे ये सॉर्ट, अभी आपके पास सबसे दिखा रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है, अभी ये सॉर्ट इस अंदाज में है कि लेफ्ट टू राइट है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू जिसके सेल्स की है वो जो है वो लेफ्ट पर है, और फिर इससे ग्रेजुअली वो राइट पे जा रहा है। तो अगर आपको सॉर्ट कर रहा है, तो हर टेबल के ऑप्शन में यहाँ पे आप जाएंगे जहाँ 3 डॉट है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें तो वो जो है ना आपको डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेबल दे रहा होगा, यानी रीजन, अगर मैं इसको रीजन करता हूँ तो रीजन वाइज सॉर्ट कर देगा। अच्छा ऑलरेडी ये रीजन वाइज सॉर्ट है, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसको मैं करता हूँ कि भाई ये सॉर्ट डिसेंडिंग, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आप एक्सेस को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इस ग्राफ को मैं एज अ टेबल देखना चाहूँ, तो आप शो एज अ टेबल भी कर सकते हैं, यानी इसी का डाटा जो है टेबल में सिर्फ दिखा रहा है। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक उसने एक नीचे क्या किया, स्क्रीन को स्प्लिट किया, और सिर्फ हाँ सिर्फ वो डाटा दिखा रहा है जो इस ग्राफ से रिलेटेड है, पूरा टेबल उठा के नहीं दिखा रहा। और जिसके दरमियान रिलेशन, यानी कि जिस एक्सेस पे जो चीज़ वैल्यूज़ है, यानी रीजन और काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम है, तो आपको दिखा रहा है रीजन ये 3 है, और इसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है वही सामने यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टेबल्स को देख सकते हैं, और ये बैक टू रिपोर्ट करेंगे आप दोबारा बैक पे आ जाएंगे, यानी कि वो एक ना सप्लीमेंट्री पॉप अप विंडो खुलता है, वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होता परमानेंट, ठीक है। वो जस्ट आपको एनालाइज करने के लिए होता है कि वो आप इसको एक्सपेंड करें और देख लें, ठीक है। अच्छा स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट में क्या होता है, यही ग्राफ को आपको क्या करेगा, बड़ा करके दिखा देगा वो, क्यों नहीं कर रहा, ये अपडेट जब भी चलेगा ना। अच्छा ये देखें ये क्या सो किया, हाँ ये क्या कर देगा, बिल्कुल बड़ा करके आपको दिखा देगा। अब एक पेज के ऊपर मल्टीपल ग्राफ से, तो आप किसी को भी स्पॉटलाइट करके देख सकते हैं, और दोबारा आप इसको बैक टू रिपोर्ट करेंगे तो आप अपने मेन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे और भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा शॉर्ट, अच्छा फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट फिर इससे रिलेटेड फॉर्मेट है, यानी कि ये फॉर्मेट जो है ना ये
ग्राफ का फॉर्मेट नहीं बेसिकली है, ये इसी के जो प्रॉपर्टी जो राइट साइड में खुली हुई है कि यहाँ पे जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग है, कि ये अभी आपको जो है वाइट में नज़र आ रहा है, ब्लैक से आउटलाइन है और ब्लैक जो है वो आउटलाइन है, वाइट फील्ड है, तो इसके तीनों की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं वहाँ से जा कर के, यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा किसी जगह के ऊपर जो इसके फॉर्मेटिंग वाला कॉलम आपके पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा शोज एज टेबल ये बता दिया आपको। स्लाइसर ये इम्पोर्टेंट है, स्लाइसर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्लाइसर क्या करता है कि आपको एक फिल्टर प्रोवाइड करता है बेसिकली। अगर हम मैं यहाँ पे जाऊँ होम टैब पे, ठीक है, और यहाँ कॉलम पे जाऊँ, तो हमारा जो स्लाइसर है ये देख रहे हैं स्लाइसर, ठीक है, ये फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, जहाँ पे देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ जगह बनाने के लिए, और ये स्लाइसर यूज़ किया, ठीक है। अब स्लाइसर ने बोल रहा है कि आप फील्ड डालें, कौन कौन सी फील्ड डालनी है, जिस तरह से डिफरेंट आप सेलेक्टर बनाते हैं ना, चेक बार बनाते हैं, सेलेक्टर बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये बनाता है डिफरेंट सोन में। अब सेल्स में मैं गया हूँ और मैंने यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट वाइव एक्सेस पर है ना, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेट से चैनल ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बता रहा है कि टोटल जो है वो चार चैनल्स यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट, यानी ये जो आपके पास प्रोडक्ट सेल हुआ है, यानी उस टेबल में हमारे पास एक चैनल का कॉलम है जिसमें चार चैनल है, एक तो स्टोर है, रीसेलर है, ऑनलाइन है, कैटलॉग है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरे पास नेम ऑफ प्रोडक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू रीजन, मैं देखना चाहता हूँ कि स्टोर जो चैनल है उसमें कितना प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये स्टोर के हिसाब से फिल्टर आउट कर देगा, देखें फिल्टर किया इसने, देखें दोबारा में देखें, है ना। अब मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे सिर्फ स्लाइसर का दिखा है, रीसेलर का दिखा है, तो रीसेलर का प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर आप रीसेलर में देख रहे हैं तो प्रोडक्ट नेम जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रीजन में नॉर्थ अमेरिका में कम है जबकि एशिया में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर चैनल में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, महसूस ये हो रहा है कि एशिया में ज़्यादा है और नॉर्थ अमेरिका में कम है। अच्छा, इसके वाला मैं ऑनलाइन करना चाहूँ तो ऑनलाइन नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है, एशिया और यूरोप में ऑलमोस्ट सेम है, कैटलॉग में करना चाहूँ तो वो कैटलॉग जो है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये जो आपके पास स्लाइसर है इसकी अपनी फॉर्मेटिंग है, यानी हर चीज़ जो विजुअल या कोई फिल्टर या स्लाइसर आप ले रहे हैं तो हर की अलग अपनी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अब जैसे आपने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे जो आपको फील्ड नज़र आ रहा है ये इस स्लाइसर से रिलेटेड आपके पास फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइज एंड स्टाइल, अब यहाँ से आप इसके डिफरेंट साइज को, हाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइसर का। अच्छा, इसके बाद ये पैडिंग है कि किस एरिया पे रखना है, राइट से कितना गैप होगा, लेफ्ट से कितना गैप हो, बैकग्राउंड क्या रखना है, ऑन है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे वाइट है, मैं लेट से मैं कर दिया इसका ये कलर, तो देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है ना। अब ये स्लाइसर पूरा सेलेक्ट होया हुआ, इतना बड़ा फील्ड तो हमारे इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं ये, ठीक है, सबसे छोटा कर दिया। ट्रांसपेरेंसी क्या, ये सारी सेटिंग्स है, ये आप अपने ग्राफ में इसको बनाएंगे। विजुअल बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर रखना चाह रहे हैं तो देखिए इसका बॉर्डर बन गया, ठीक है। बॉर्डर नहीं रखना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर हटा देंगे, भाई हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसके राउंड कॉर्नर को शेप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बॉर्डर में भी छोड़ दे रहा हूँ। शेडो डालना है, शेडो डाल सकते हैं आप। टाइटल डालना है, टाइटल अभी ऑफ है, ठीक है, टाइटल आप डालना, देखें ऐड विजुअल टाइटल ऑटोमेटिक आ गया, तो आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं कि चैनल नेम, कि किस किस चैनल से हम देखना चाहें वो डाल सकते हैं। स्लाइसर सेटिंग, इसमें आप देखिए आपके पास क्या है, डिफरेंट सेटिंग ये है कि आप इसको चाहे तो वर्टिकली आप इस तरह से या पॉपुलेट कर लें, या तो आप इसको क्या करें, आपने कर दिया टाइल्स, अब देखिए ये टाइल्स के फॉर्म में बन गया, देख रहे हैं, ये कैटलॉग, रीसेलर, स्टोर, ऑनलाइन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये टाइल स्टाइल हो गया, और ये क्या है, ड्रॉप डाउन है, अब देखिए ड्रॉप डाउन बन गया,
ठीक है, तो ये हम पता क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास रिपोर्ट में जगह कैसी है। अगर जगह ज़्यादा है तो टाइल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तमाम आपको नज़र आता है, जो जो आपको देखना है उस पर सेलेक्ट कर लिया, या चेक बार वाला कर लिया, ड्रॉप डाउन कर लिया, व्हाट्स एवर जो आपको पसंद लगे। ठीक है, तो ये वर्टिकल इस तरह से हमने इसको छोड़ दिया। अच्छा, सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है मल्टी सेलेक्ट, अगर आप देखें, देखें ना, मल्टी सेलेक्ट ऑन हुआ हुआ है। देखिए अब मैं इसको मल्टी सेलेक्ट करता हूँ, यानी मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्टोर और ऑनलाइन, लेकिन देखिए स्टोर क्लिक कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लिक कर रहा हूँ, तो मल्टी सेलेक्ट नहीं हो रहा, एट अ टाइम एक सेलेक्ट हो रहा है, ऐसा ही है। कंट्रोल कंट्रोल दबा के दबाओगे तो हो जाएगा शायद। हाँ ये मैं पता देख रही है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, देखें ये वो आपके पास है, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल और कमांड, ठीक है, ये भी मैं बताना चाह रहा था, गुड, आपको ये पता है, तो कंट्रोल के साथ ये मल्टी सेलेक्ट हो गया। ये एक्सेल में यूज करता हूँ मैं स्लाइसर, तो अच्छा, वहाँ बिल्कुल एक्सेल से ही बहुत सारा कमांड इसका मिलता जुलता है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट भी है, अगर आपने सिंगल सेलेक्ट कर दिया तो अब ये रेडियो बटन में कन्वर्ट हो गया, तो अब तो मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, रेडियो बटन के बारे में पता ही है आपको, एट अ टाइम एक ही कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जब आप फिल्टर अपने यूज़ करेंगे किसी प्रोडक्ट को, फ्लैट से आपने अपने प्रोडक्ट को देखा कि मेरा एक प्रोडक्ट सेल तो हो रहा है, अब मैं रीजन वाइज आपने प्रोडक्ट का सेल रीजन वाइज लगा दिया कि भाई जिम्बिया के जितने सिटी है उसमें देख लिया, ठीक है, फिर आपने देखने देखना ये चाह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास लेट से किस तरह से सेल हो रहा है, यानी कि क्या ऑनलाइन मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, या हमारा जो हमारी जो वेंडर है या गाड़ी है वो जाके खुद प्रोवाइड कर रही है, या कंपनी आपसे डायरेक्ट खरीद रही है खुद, तो यानी कि दो चैनल के दरमियान मजीद फिल्टर लगा के आप उसको स्पेसिफिक देख सकते हैं कि किस तरह से हम हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी आपने देख लिया कि नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी रीजन वाइज है उसको आप मजीद चैनल वाइज देख सकते हैं, अगर आप चैनल को हटा करके, अगर लेट्स से मैं कोई दूसरा ले लूँ यहाँ पे, ये चैनल लिया था ना मैं, अब इसको लेट से चैनल से हटा के कुछ और ले लूँ, सिटी वाइज ले लूँ, चले अब जितना भी सिटी है सबका नाम आ गया, देख रहे, यानी कि इन तीनों रीजन में जितने भी सिटी है वो आ गई। अब मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, जैसे अल्बैनी, अब देखिए अल्बैनी का मतलब है ये नॉर्थ अमेरिका का कोई सिटी है, उसमें ये सेल, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर सिटी का भी आप देखें, तमाम सिटी तकरीबन सैकड़ों में है ये, अब ये एक सिटी है टेम्पा, ये भी नॉर्थ अमेरिका ही कही है, या ये केमी, ये भी नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है, तो तमाम सिटी वाइज आप एक एक चीज़ को यहाँ से फिल्टर लगा करके देख सकते हैं। समझा ये स्लाइसर क्या है, क्लियर है? जी आसिफ भाई, ये ग्राफ में जो उसकी विड्थ जो है, अगर उसको छोटी करनी है तो होगी? ये विर्थ कह रहे हैं? अच्छा, ये विर्थ मैं देख लूँगा कि ये छोटी कैसे हो सकती है, मेरे ख्याल से ये तो डिफ़ॉल्ट है, शायद हो भी, आप इसको वो करना चाह रहे हैं ना, हाइट, एक मिनट, विर्थ 9:36 चलिए मैं सेट कर देता हूँ। नहीं, ये पूरे उसका साइज चेंज हो रहा है, उसका कॉलम, ये कॉलम में नजर आएगा आपको, अगर हुआ तो कॉलम है, स्पेसिंग है, हाँ ये स्पेसिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देख रहे, ठीक है, स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, क्योंकि इसको ना कॉलम कह रहे हैं ना, तो कॉलम के अंदर इस तरह से देखिए, आप जरा सर्च कीजिएगा ना, तो इस तरह से सर्च करने की कोशिश करें कि आप जो चीज देख फॉर्मेटिंग रहे में हैं, मिल जाएगी, हाँ फॉर्मेटिंग में मिल हाँ जाएगी। लेकिन फॉर्मेटिंग में देखे ना, बहुत सारी फॉर्मेटिंग है इसकी, अब अभी पता है क्या, इसमें टाइम लगता है कि कहाँ ढूंढे, तो आपको याद होना चाहिए यार, ये इसको हम स्लाइसर कहते हैं, सॉरी कॉलम कहते हैं, तो कॉलम इसमें ये है, यानी कॉलम का कलर चेंज करना है, अब यही इसी के अंदर इसका स्पेसिंग है, अब ये इनर इनर पैडिंग भी है इसका, ये देख रहे हैं, ये भी है, ये पूरा मिक्स हो गया, अच्छा, ये स्पेस दे रहा है नीचे, तो हाँ अच्छा, ये दो ग्राफ के बीच कॉलम डिवाइड हो रही है। अच्छा, ये पता नहीं क्या है, देखें ये कुछ चेंज कर रहा हूँ, कुछ महसूस तो नहीं हो रहा मुझे,
लेकिन ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम के विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट टू स्लाइसर हो गया, कार्ड शेड मैंने आपको बताया था, ये केपीआई वगैरह जब बनाते हैं ना तो कार्ड और मल्टी रो कार्ड ये यूज़ होता है। आप भी अपने इक्विपमेंट्स प्लांट के केपीआई शायद बनाते हो आप, तो कार्ड के लिए हमारे पास ये कार्ड है, ये जस्ट आपको फिक्स नंबर शो करेगा कि लेट्स से मैंने सिटी ले लिया। अब देखिए सिटी जो मैंने लिया है, कार्ड एक नंबर शो करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये दिखा रहा है फर्स्ट सिटी, यानी उस सिटी के लिस्ट में जो पहला सिटी है वो अल्बानिया है। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे कार्ड में शो करना है कुछ और डाटा, यानी कि मैं तो चाह रहा हूँ कि मुझे इन टर्म्स ऑफ डाटा दिखाए ना, तो ये फील्ड वैल्यू आप, ये तो फील्ड वैल्यू हो गया। अब ये देखिए कह रहा है कि क्या दिखाना है, इसमें फर्स्ट वैल्यू दिखाना है या लास्ट, लास्ट किया तो जो हमारे पास टेबल है उसमें लास्ट जो सिटी है वो यॉर्क है, ठीक है, उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे सिर्फ दिखाए डिस्टिंक काउंट। अब दिखा रहा है 263, यानी कि टोटल कितने सिटी है हमारे पास, 263 टेबल मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा काउंट अगर करना चाहें तो काउंट क्या मतलब, 15,000, ये क्या काउंट किया इसने, टोटल होगा, वो यूनिक सिटी होगा 263, हाँ और ये रिपीटेड होगा मेरे ख्याल ये से रिपीटेड, यानी जितने कॉलम्स है 15,000 जिसमें सिटीज के, टोटल हो हाँ गया। ये उसको उसने काउंट किया, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन भी आपको याद रखना है, ये हर जगह ना विजुअल आप लेंगे तो आपको आएगा क्या उसके वैल्यूज को, ये कहाँ मिलेगा, उस साइड पे ही मिलेगा ऐसा, नहीं साइट मतलब में नहीं है ये जो है ना, अब मैं कह रहा हूँ ये विजुअल जो है ना डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है, ये पहले आता था साइट पे इधर राइट साइड पे, अब जो है ना अब इसको सेलेक्ट किया ना आपने विजुअल को, देखिए मेरा जो वर्जन इसमें, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के क्लिक करेंगे, यहाँ मोर, सॉरी ये तो मोर में चला, ये डाटा वाला, यानी यहाँ से फील्ड सेलेक्ट किया कि क्या देखना चाह रहे हैं, और फिर इसमें ये एरो क्लिक किया तो दो चीज़ आ रहा है कि एक तो फील्ड आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर सिटी की जगह कुछ और लेना चाह रही है, टेबल पूरा दिखाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल, मैं मेरे में देख लूँ अपनी जगह हाँ पे। आप देखिए मैं जरा ना, यहाँ नीचे अगर कार्ड जो आता है जी प्रिंसिपल, जी तो यहाँ नीचे विजुअलाइजेशन के नीचे ऐड करना है, ये फिल्टर ऑप्शन में नहीं डालना उसको। नहीं फिल्टर जो है ना, देखिए अब इस कार्ड में आप फर्ज कर लें के मजीद फिल्टर देखना, ये तो कार्ड आपको सिंपल डिस्प्ले दिखा दे रहा है ना सिटी वाइज ये वाइज, हम जब कोई विजुअल लेंगे ना तो फिल्टर के अंदर मजीद आप उसके डेप्थ में जाके देख सकेंगे कि इस डाटा को मजीद फिल्टर आउट करके जब देखना हो, तो फिल्टर में हम किसी फील्ड को डालेंगे, कार्ड को नहीं डालेंगे, कार्ड के डाटा को नहीं डालेंगे, कार्ड के डाटा को तो हम देख रहे हैं, फर्ज के लिए आप ये सिटी देख रहे थे ना, सिटी आप रिस्पेक्ट टू देखना चाहें सेल्स, तो सेल्स को उठा के आप फिल्टर पर डालेंगे, ठीक है, फिल्टर को हम देखेंगे पढ़ेंगे। हाँ बोले। प्रिंसिपल अभी यहाँ पे जो था ना, सिटी के नाम जो आ रहे थे ना, अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग किया मैंने, पता नहीं क्या किया, ये काउंट में आ रहे हैं। अब क्या क्लिक करें, एक मिनट, ये आ गया काउंट ऑफ कंट्री, ये आ गया काउंट के सेटिंग में, ये अभी देखो फर्स्ट आ रहा है ना, कंट्री फर्स्ट वन लिखा हुआ था, एक्चुअली अभी जो अभी आ रहा था नाम के हिसाब से आ रहा था कंपनी का। नहीं तो आपने यहाँ पे फील्ड पे लिया हुआ क्या, इस कार्ड में क्या चीज़ को लिया आपने, कंट्री को लिया हुआ है, कंट्री लिया, यानी मेरे को कंट्री का नाम लिखा है, फर्स्ट कंट्री था, हाँ कंट्री वन लिखा हुआ लिखा है, और वहाँ पे कंट्री का नाम फर्स्ट वन कर दिया, नाम कंट्री। तो ये नहीं आ रहा यहाँ पे, एक काम करें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इस कार्ड को डिलीट करें, दोबारा ले लें कार्ड को डिलीट करें, हाँ दोबारा एक कार्ड लें उसमें कंट्री लें, ये ना कभी कभी इस तरह का आपको ना एबनॉर्मिटी पावर बीआई में ना नज़र आएगा, जब आप डिफरेंट फिल्टर इस्तेमाल करके बैक करेंगे ना, तो उसका सिंपल सा तरीका है उसको डिलीट करें, दोबारा आप विजुअल बना लें। ये तो सही अच्छा है, चलें यहीं पे मैं आप अभी खुद, इसको आप खुद देखूंगा, ही कर लें, मल्टी मल्टी कार्ड रो ले लें, मल्टी कार्ड रो, मल्टी कार्ड रो ले लेता हूँ। हाँ
यानी यहाँ पे आप लेट से आप अपना कंपनी भी ले लें, कंट्री भी ले लें, सेल्स भी ले लें, तीन चीज़ ले लें, तो आपको तीन डाटा दिखाएगा ये। इसको बड़ा कर लें आप, इसको देख सकेंगे। ठीक है, तो ये मल्टी, हाँ ये कंट्री जो आ रहा है ना हाँ यहाँ पे ये काउंट में आ रहा है तो उसमें जाएं, कंट्री वाले सेटिंग में जाएं। मेरे ख्याल से, कंट्री का कोड ही है तो काउंट नहीं होगा, सेंटर के लिए कोड होगा। वो तो फिर आपको टेबल पे जाके देखना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ। हाँ देख ले। जी कोड ही है सेंटर का, हाँ सही है, कंट्री का नाम है, कंट्री का कोड है। कोड है। हाँ यहाँ से ये टोटल मेरे को सेल्स दिख रहा है बिल्कुल, बेवरेजेस का, एमेजॉन या तीनों कंपनी का टोटल सेल्स क्वांटिटी दिख रही है टोटल, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ करें करें, इजी है, ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा है आप खुद से करेंगे तो। ये भी स्लाइसर का एक टाइप है, देखिए इसने रेंज वाइज दे दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आप जाके उसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर दें, इसकी प्रॉपर्टी लें आप, नहीं प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं आएगा, सेलेक्ट करें वो सेंटर, सेंटर पे आ रहा है ना उसकी प्रॉपर्टीज। हाँ यहाँ पे, हाँ ये देखिए स्लाइसर सेटिंग है ना, हाँ यहाँ पे जाए, ये बिटवीन कहलाता है। अब देखिए मेरे में ये नहीं आ रहा था उस वक्त जब मैंने लिया था ना, मेरे ख्याल से जब, नहीं, जब आप डेट लेंगे तो ये बिटवीन आता है वरना नहीं आता। ये डेट लिया है ना आपने? हाँ डेट ये, तो दी है हाँ वही पर डेट मैंने है। थ्रू किया है। तो जब भी डेट वाला फॉर्मेट लीजिएगा ना तो फिर बिटवीन भी दिखाएगा, फला डेट से फला डेट तक, फला ईयर के फला, तो फिर वो बिटवीन भी दिखाता है ऑप्शंस। अच्छा मुझे नहीं दिखता कि ये कोई वही चीज है। अच्छा मुझे आ रहा है कि यहाँ पे कोड चेंज हो रहा है। हो रहा है चेंज, मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा, सही है। ये जो फिल्टर है ना इसको मिनिमाइज कर दे ना, उसको हाइट कर दे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपको। फिल्टर जो है, हाँ इसको मिनिमाइज कर दे, जिसका काम नहीं है उसको मिनिमाइज कर दे ताकि वर्किंग स्पेस बढ़ जाएगा। हाँ, चेंज हुआ है। ये देखो ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो अभी ये एक ही कंपनी का दिख रहा है यहाँ पे कार्ड में, ठीक है। अभी मेरे को तीनों कंपनी का देखना है एक साथ नौसी भाई। तीनों कंपनी का क्या मतलब? ये अच्छा तीन, ये तीनों कंपनी नीचे दिख रही है हाँ ये और मल्टी, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रही हाँ है। देखिए वो कार्ड ना किसी एक एक चीज़ को दिखाएगा, एक वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, वो वैल्यूज टेक्स्ट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है। मल्टी कार्ड रोज रो इसीलिए होता है कि वो मल्टीपल्स डाटा को आपको एक कार्ड के फॉर्म में दिखाएगा, जितना मर्जी चाहे ले लें, कोई वो नहीं, लिमिटेशन नहीं है, तीन ले लें, चार ले लें। सही है। यही डेटा मुझे मंथ वाइज देखना और इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे आप मंथ वाइज।
सब पे इतना फार्मूला क्यों लगाया हुआ है? सारी मैंने उस वक्त जब लिए, मैंने टू बी ऑनेस्ट बोलूं, जब मैं सीख रहा था हाँ बहुत सारी स्ट्रे की, पिछले 1-2 साल से मैंने सब छोड़ दिया, 1 साल से छोड़ दिया वो सारा। मैंने कुछ नहीं, मैंने किया क्या है, नहीं, आप उस फिर स्लाइसर में ना, स्लाइसर को सेलेक्ट करें, आपको मंथली दिखा रहा हूँ मैं। नहीं, इधर नहीं, मंथ इधर नहीं रखना, यहाँ से मंथ डिलीट करें, स्लाइसर को सेलेक्ट करें, इसके जो फील्ड में एयर्स है ना, यहाँ मंथ रख दें, इसको डिलीट कर दें, मंथ को डिलीट करें, हाँ एयर को निकालें, मंथ लेके आए, हाँ मंथ लेके आए, ठीक है, ये पूरा मंथ आ गया, आप क्लिक करें। हाँ, दो स्लाइसर ऐड कर लें, यानी एयर का कर लें, एक मंथ का कर लें, पहले एयर सेलेक्ट करें 20, और फिर मंथ आपके पास जो भी होगा वो कर लें साथ साथ कर लें, क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा, इसमें कोई ब्लैंक रो भी है, देखिए ये डाटा ना आपका वो नहीं हुआ हुआ, नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हुआ, लिहाजा ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए था। डाटा आपका लग रहा ना मुझे बड़ा वो मैसअप होया हुआ है, अभी हम फॉर्मेट मैंने 1.5 साल से, 1.5 साल से ये डेटा मैंने देखा ही नहीं उस से, मुझे देखना एक दिन होगा इसका। ठीक है, अब देखिए एयर के साथ से फिल्टर हुआ, अब मंथ का फिल्टर मारे, फिर मजीद फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, तो जितना फिल्टर लगाना चाहे आप मंथ के नीचे फर्ज कर लें, आप देखना चाह रहे हैं वीकली, अगर आपके पास वीक का है तो आप वीकली भी देख सकते हैं, वीक के नीचे आप देख, नहीं वीक का है नहीं, अच्छा, ये मंथ वाले फॉर्मूले जो है इसके अंदर अपन नीचे कुछ डाल सकते हैं अलग से स्लाइसर उसके लिए बनाने, क्या मतलब दोबारा बोले, जो वीक का आप बोल रहे हो उसके लिए अलग से एक स्लाइसर ही बना के डालना होगा या इसके नीचे ही अपन नहीं, एक स्लाइसर स्लाइसर डाल सकते हैं एक आपको स्लाइसर बनाना पड़ेगा अलग से अलग ना, से एक स्लाइसर। हाँ चलो, क्वार्टर भी हो सकता है, यानी मंथ मंथ के नीचे क्वार्टर, क्वार्टर के नीचे ईयर के नीचे क्वार्टर, क्वार्टर के नीचे मंथ, ये भी हो सकता है, क्वार्टर का फिल्टर लेंगे अभी हो जाएगा आपके पास। आप इसमें नहीं थोड़ा क्लियर नहीं, साइन इन प्रैक्टिस करूंगा तो समझ पड़ेगा। साइन इन हुए हुए हैं पावर बीआई में, तो इसका क्या लाइसेंस लिया हुआ आपने या अभी ट्रायल नहीं वर्जन लाइसेंस, चल रहा है? लाइसेंस मेरे पास नो लाइसेंस है, अच्छा, फिर तो अच्छा, आप जहाँ मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं उसको। नो लाइसेंस है मेरे पास, मेरे को एक्चुअली ज्यादातर सर्विस में भी देखना है, अभी मेरा एक डेस्कटॉप है मेरा वहां पे। आसिफ भाई 2 मिनट रुकेंगे, अजान हो रही है मगरिब की, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही।
जी, आपको अपना डेस्कटॉप का कुछ कह रहा था। हाँ, क्योंकि मेरा एक अभी ऑफिस तो मेरे लैब के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक डेस्कटॉप बना हुआ है, ये इसके ऊपर मैंने ज़्यादातर अपना रिपोर्ट उस पर डेस्कटॉप पे बनाया है, सही है सही है। वो मुझे यहाँ पर लैपटॉप की सर्विसेज सेंटर जहाँ पर काम कर रहा हूँ प्रॉपर रहेगा, यहाँ पर मुझे रजिस्टर हो जाएगा, मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करना होगा सबके लैपटॉप से तो वहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। हाँ, वो सर्विसेज हो चाहिए उसके लिए, वही क्लाउड पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलो ना, वो बिल्कुल, हफ्ते जब आएंगे तब मैं वहीं पर अपना वो कर लूँगा। हाँ सही है, मैंने यूज़ किया है वो अपने कंपनी में एक दफ़ा। आएंगे तब सर्विस का इंप्रूव देख पाऊँ उसको, मेरे को थोड़ा ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर भी है सही है। ये सारा, बट मेरे को थोड़ा सर्विसेज का अभी भी उतना नहीं है, जब आएंगे तब इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करूँगा। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, अच्छा सोचूंगा मैं। चले, मैं शेयर करूँ स्क्रीन। बताइएगा, ठीक है। आ गया। अच्छा, डीकम्पोजिशन ट्री ये यूज़ किया आपने? ये भी बड़ा अहम है और अच्छा है रिपोर्ट को विजुअल करने के लिए। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट में जाएं तो आपको नज़र आएगा डिकम्पोजिशन से, ये देखिए ये है। ये ऑक चार्ट की तरह दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एनालाइज क्या करना है, ये ड्रिल डाउन कर रहा होता है बेसिकली, कि मैं देख रहा चाह रहा हूँ अपने लेट से सेल्स को, ठीक है, टोटल सेल्स को, और सेल्स में देखना चाह रहा हूँ एक्सप्लेन बाय करें मुझे कि मेरी टोटल सेल्स जो है वो मुझे पहले तो ये बताए कि भाई कौन से रीजन में था, रीजन का कहाँ गया, रीजन को मैं यहाँ से लोकेशन से ले लेता हूँ क्यों। अच्छा, सारा डाटा मेरा आपस में वो है ना, रिलेशन बना हुआ है, ठीक है, तो इस तीनों टेबल बेसिकली मेरे पास एक ही है, तो रीजन बताए और रीजन बता देगा रीजन वाइज, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताए जब वो रीजन में चला जाए, चलो पहले दो फील्ड को हम देखते हैं, बल्कि और देख लेते हैं, रीजन के साथ हम देख लेते हैं प्रोडक्ट नेम देख लेते हैं, ठीक है, इस दो को ये अभी एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, तो मुझे तो ये बता रहा है कि आपका टोटल सेल जो है वो 5.2 मिलियन या 56 मिलियन कुछ इस तरह से है बारह, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं, जब ये कह रहा चूज़ हाउ टू स्प्लिट योर डाटा, जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोलेगा हाई वैल्यू और लो वैल्यू, ठीक है, मैं बोलता हूँ हाई वैल्यू। जब मैंने इसको हाई वैल्यू किया तो ये मेरे डाटा को स्प्लिट करेगा, देखिए तीन हिस्से में स्प्लिट किया उसने, क्योंकि मैंने उसको रीजन रखा था ना, एक्सप्लेन बाय रीजन, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन बाय उसने रीजन कर दिया। अच्छा, एक्सप्लेन बाय जब रीजन किया तो अब रीजन में बेसिकली तीन हमारे पास रीजन था, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप। अब नॉर्थ अमेरिका की ये वैल्यूज आ रही है, नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मुझे छोटा तो नहीं लग रहा आपको, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि मेरा टोटल सेल्स का डीकम्पोज हुआ तीन हिस्सों में, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप। अब मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में कितना गया मुझे वो वैल्यू बताओ, तो देखिए वो कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में आपके पास ये तमाम, मेरे ख्याल से सिटी है शायद ये, इन तमाम सिटीज़, ये प्रोडक्ट नेम आया है सॉरी, क्योंकि मैंने सेकंड क्या लिया था, प्रोडक्ट नेम। अगर आपको यहाँ पे याद हो कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था, ये देखिए यहाँ से, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ रीजन के देख ले, यानी कि सेल्स की वैल्यू को डिकम्पोज किया विद रिस्पेक्ट टू रीजन वाइज, ठीक है। अच्छा, अब रीजन से अंदर मैं मज़ीद देखना चाह रहा हूँ सिटी वाइज, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका सिटी भी ले लेता हूँ, कंट्री ले लेता हूँ पहले, ठीक है,
और तीसरा मैं क्या ले लेता हूँ, सिटी ले लेता हूँ। तो अब क्या हुआ देखें कि टोटल सेल्स जो डिवाइड हुआ, डिकम्पोज हुआ तीन हिस्सों में, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। मैंने कहा भाई एशिया में बताओ, एशिया में क्या वैल्यूज़ है, एशिया की डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो ये बता रहा है कि भाई एशिया में चाइना में इतना गया, जापान में इतना गया, ऑस्ट्रेलिया में इतना गया, इंडिया में इतना गया, सो ऑन। ये पूरा नीचे तक आ रहा आपके पास, ठीक है, नीचे ऊपर डाउन डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया रीजन से, हम कहाँ आ गए, कंट्री में आ गए। अब कंट्री में आने के बाद मैंने कहा भाई पाकिस्तान जो है ये इतना सा जो शो कर रहा है, ये पाकिस्तान का बताओ कि पाकिस्तान में मज़ीद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सिटी। तो उसने बोला भाई सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना, सिर्फ इस्लामाबाद में इसकी है कंजम्पशन, वो ये अमाउंट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंडिया में बताओ। ठीक है, सिर्फ आप क्लिक करेंगे, सिर्फ क्लिक करना है आपको। तो इंडिया में ये तीन, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, बम्बई में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये रही है। जापान से बताओ भाई, जापान से ये रही है। तो ये डिकम्पोजिशन ट्री आपको बहुत शॉर्ट टाइम में टोटल सेल्स लेके ग्राउंड तक का बता देगा कि किस तरह से उस सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ट्री। अब मैंने यहाँ पे फील्ड रखा है, कंट्री वाइज देखा है। आप इसको कंट्री वाइज नहीं देख करके आप इसको प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं। लेट्स से इसको मैंने कार्ड डिलीट किया, ठीक है, मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ से मैंने कंट्री, सिटी, रीजन सब हटा दिया। मैं कहता हूँ भाई मेरा सम सेल्स जो है वो रिस्पेक्ट टू दिखाओ प्रोडक्ट कैटेगरी, और फिर प्रोडक्ट कैटेगरी में भी दिखाओ कि भाई कौन सा मैन्युफैक्चर जो है वो ज़्यादा मेरा सेल्स हो रहा है। ठीक है, दो रखते हैं भाई, टोटल सेल्स को हाई वैल्यू दिखाओ। तो पहला वो दिखाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी की, ये आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा है, तो भाई कौन सा ब्रांड है कंप्यूटर का जो सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है। तो भाई वो बता रहा है कि कंप्यूटर में जो आपका जो प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन है ये सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आपको ग्राफ वाइज बड़ा अच्छा सा विजुअल आ जाता है अपने सेल्स को देखने के लिए, समझ रहे। अच्छा, मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग आप वैसे ही कर सकते हैं कि आपको ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, आप ब्लू चेंज कर सकते हैं। इवन कि ये जो कलर है ना, जो लिंक कर रहा है डॉट 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 डॉट, ये कलर भी और इसकी फॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से आप ये कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हाईलाइट होया हुआ है, यहाँ पे पहले लॉक का बटन आता था। अच्छा, ये देखिए आ गया ना, ये मैंने इसको लॉक कर दिया। तो अब क्या होगा, ये डिलीट नहीं होगा। पहले यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन आ रहा था, ठीक है, इसको आपने अनलॉक कर दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। पीछे वाला डायरेक्ट डिलीट कर सकता है सिंपल प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं, में। पीछे वाला डायरेक्ट नहीं होगा, देखिए ये इसी से है ना, लास्ट वाला सबसे पहले होगा फिर पीछे वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है इजली अपने कंपोजिशन ट्री बना करके देख सकते हैं प्रोडक्ट की क्या सेल्स है। क्लियर। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है इसका, क्या नाम है? ये है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ट्री कहलाता है ये आपको यहाँ मिलेगा, डिकम्पोजिशन ट्री। हाँ ये सही है। अच्छा जी, स्मार्ट नैरेटिव, ये स्मार्ट नैरेटिव मैं आपको दिखाऊँ ये कहाँ पर है। यूज़ किया स्मार्ट नैरेटिव आपने? सही सही सही। अच्छा देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस कार्ड को, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर, ये बड़ा स्मार्ट पावर भी आई है। आप यहाँ से इसको ना क्वेश्चन पूछें, ये जवाब भी देगा आपको, लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यार, आख सा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है,
मैं कहता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता अभी टीवी की क्या सेल्स क्या रही है, मैन्युफैक्चर कौन सा है, ठीक है? मैं बोलता हूँ कहाँ से ले रहा हूँ सर, कहाँ से ये ले रहा रहा हूँ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में गए, इंसेंट क्वेश्चन इंसेंट नहीं इंसेंट इंसेंट, हाँ फॉर्मेट ये फॉर्मेट में नहीं, सॉरी इंसेंट में, इंसेंट इंसेंट में क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं यहाँ से क्वेश्चन करो, देखिए अभी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? मैं बोलना चाहता हूँ विच टीवी मैन्युफैक्चर सेलिंग मोस्ट, ठीक है? इससे मैंने सवाल किया, ठीक है? अच्छा ये समझा नहीं, बोलना मैंने समझा नहीं, तो ये अच्छा ये कुछ ऑप्शन दे रहा, देख ले चले यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम कॉस्ट, ठीक है? मैंने ये कहा इसको मैक्सिमम कॉस्ट, आप देखिए ये बता रहा है मैक्सिमम कॉस्ट आ रहा है 42.99 मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है, किसकी आ रही है ये मुझे देखना पड़ेगा इसकी सेटिंग में जाके, क्वेश्चन आंसर में क्या आ रही है इसके। लेट्स से मैं एक चीज़ इससे पूछता हूँ, टीवी, अच्छा अच्छा ये ऑप्शन दे रहा है, ये देखें ये थोड़ा इसने यहाँ पे काम किया, लिख रहा है ना एडवेंचर वर्क्स 20 इंच सीआरटी टीवी E15 ब्लैक, प्रोडक्ट नेम इसका नाम है, ठीक है? अब ये इसकी थोड़ा डिटेल दे रहा है कि प्रोडक्ट नेम इसका ये है, मैन्युफैक्चर इसका ये है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेलीविज़न है, और प्रोडक्ट जो है इसका टीवी एंड रेडियो है, यानी कि इसने 20 इंच में बताया कि टीवी जो है वो कौन सा है बेस्ट काम कर रहा है, वो ये बता रहा है। क्वेश्चन से दूसरा पूछता हूँ मैं, टीवी से ये हिंट्स दिया था मैंने, इसको सर्च इसको सिर्फ इंटर कर दिया। अब जैसे कह रहा है कि ताइवान, ताइवान क्या है, ताइवान के बारे में ये बताएगा, ताइवान रीजन जो है एशिया में आ रहा है, सिटी ताइपी है, कंट्री जो है वो ताइवान है। जैसे मैंने कहा सेल सेल फोन, ठीक है? अब सेल फोन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है, देख रहे हैं सेल फोन मैंने लिखा तो सेल फोन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन ये ला के दे रहा मुझे अपने टेबल से। ये चीज जो भी दिखा रहा है हाँ वो सारा टेबल में मौजूद है ना, हाँ मौजूद है, उसके बाद मतलब वही कह रहा ना, हाँ आपको कुछ चीज़ें फर्ज कर लें ऐसी है जो आप विजुअल में आप उठाया नहीं, आपने आपको याद नहीं पड़ रहा क्या हो सकता है, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करके उससे पूछ लिया, वो वहाँ से उठा के आपको दे देगा डाटा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपके क्वेश्चन को समझे, ठीक है? अच्छा एक तो ये हो गया, ठीक है? अच्छा अब देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बल्कि इस पर क्लिक करता हूँ, इस पे समरी का ऑप्शन एक्टिव नहीं आ रहा, पीछे देखते हैं, देखिए एक समरी आ रहा है यहाँ पे ना, इसको क्लिक करें तो क्या करेगा ये, आपका जो ग्राफ है इसको एज अ टेक्स फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में इसकी एक समरी बना देगा रिपोर्ट में डालने के लिए, प्रेजेंटेशन में। क्या कह रहा है नजर आ रहा है आपको, देखिए क्या कह रहा है, एट 8869 नॉर्थ अमेरिका हैड द हाईएस्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम एंड वाज 190.7% हायर देन एशिया विच हैड द लोवेस्ट काउंट ऑफ द प्रोडक्ट नेम एट 3050। यानी कि इसने ना एक्सप्लेन किया है इस ग्राफ को, कहाँ चला गया, अच्छा वो भी जो है ना उस पे रहता है, क्या कहते हैं कहीं आया था वो, बैक एंड पे चला गया ये रहा, ठीक है? फिर सेकंड में कह रहा नॉर्थ अमेरिका हैड द हाईएस्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट एट 889
8869 फॉलोड बाई यूरोप एट 3081 एट द एशिया एट दिस वन। अब ये डिफरेंट आपको इसकी समरी बता रहा है। अच्छा, ये समरी जो है ना आपको रेफरेंस नहीं बता रहा है कि किसके रेफरेंस से ये आपको बता रहा है। फिर एशिया के बारे में बता रहा है कि एशिया हैड 3035 काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम, नॉर्थ अमेरिका हैड 8869 एंड यूरोप हैड दिस 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 वन। तो ये समरी आपको कहीं अगर ग्राफ की समरी लेनी हो तो आप इससे से समरी उसकी ले सकते हैं अपने रिपोर्ट में डालने के लिए। जैसे ये है, अब ये पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करेगा ये, ठीक। इसमें ग्राफ काफी ज्यादा है लिहाजा ये काफी लंबा कर देगा। इसको समरी को आप जब अपने डाटा के साथ आप देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि यूँ समझ लें कि आप ग्राफ बनाने में एक्सप्लेन करते हैं ना कि ग्राफ कितने परसेंट डाउन हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि इसको मैं हटाता हूँ। अब जैसे ये ग्राफ है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, अब ये बताएगा कि नॉर्थ अमेरिका कितने परसेंट यूरोप से जो है हायर उसका सेल्स था, ठीक है। और फर्स्ट कर लें इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एयर देख रहे हो तो ये भी बताएगा कि इस एयर में नॉर्थ अमेरिका के सेल्स यूरोप से इतने परसेंट ज़्यादा थी, एशिया से इतने परसेंट ज़्यादा थी, और इस एयर में इसका सेल्स इतना कम हो गया, इससे इतना परसेंट डिक्रीज हो गया। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना ग्राफ की वो ये समरी बताता है आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, इसको डिलीट करूँ मैं। अब देखिए कि एनालाइज, ठीक है, देख रहे। अब हमें तो एक ग्राफ में नजर आ रहा है कि नॉर्थ अमेरिका का जो सेल्स प्रोडक्ट नेम है, हम सेल्स सेल्स बाद में बाद में बात करूँ कि सेल्स ज़्यादा है, यूरोप की कम है और एशिया के भी कम है। अब लेट्स से आपसे पूछे क्यों कम हो गया यहाँ पे, एशिया में क्यों कम हो गया, तो इसका मल्टीपल रीज़न हो सकता है। उसके लिए आपको अपने डाटा को जाकर सर्च करना पड़ेगा भाई एशिया में क्यों कम हो गया, क्या एशिया में सप्लाई का मसला था, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कम थी, ऑर्डर कम आया, या क्या वट एवर रीज़न है ना। लेकिन पावर बी आई आपको इसको खुद इसकी एनालाइज करके आपको बताएगा रीजन, ठीक है। एनालाइज में जाए, फाइंड वेयर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। अगर ये कर सकता होगा ये आपको इसका रिजल्ट बता देगा कि क्यों कम हुआ यहाँ पे। देखिए ये वो सर्च कर रहा है, अब वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। ये बड़ा अच्छा इसका फीचर है। ये आप अगर इसको मैन्युअली करने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, कि अगर आपके पास 10,000 रॉज है और हर आपको ये पता करना है कि किसी कोई एक फील्ड जो है सेल्स किसी एक कंट्री में, आपके पास 10 कंट्री का डाटा है, किसी एक कंट्री में सेल्स कम हो गया तो उसका रीज़न क्या है, क्यों क्यों कम हुआ। देखें, देख रहे हो शेर। आप देखें मैंने क्या सर्च किया, जैसे कि एशिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कम है क्यों है, वो कह रहा है कि प्रमोशन नेम कह रहा है यूरोप हॉलीडे प्रमोशन। देखिएगा, यूरोप हॉलीडे प्रमोशन विद 6.8% ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि यूरोप में कोई हॉलीडे प्रमोशन था जिसका रिकॉर्ड 6.8% था, एशियन हॉलीडे प्रमोशन विद 5%, और वही प्रमोशन जो एशिया में दिया गया था उसका रिकॉर्ड कितना आया, 5%, एंड एशियन स्प्रिंग प्रमोशन विथ 5% ऑफ द रिकॉर्ड अमंग अदर्स मोस्ट अफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया हुआ है यूरोप हॉलीडेज, हॉलीडे प्रमोशन,
यानी हॉलीडे में जो यूरोप में प्रमोशन आया, काउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ यूरोप हॉलीडे प्रमोशन प्लस काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम। अब देखिए येलो वाला इसमें देखिए कितना है, 10,000 से ऊपर जो प्रोडक्ट है वो यूरोप में आया है प्रमोशन की वजह से, हॉलीडे प्रमोशन, ठीक है। और ये इसका प्रोडक्ट है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में इतना था, यूरोप में इतना, और एशिया में देखिए कितना कम है। तो पता क्या चल रहा है हमें इससे, रीजन के प्रमोशन में जो हॉलीडेज में जो प्रमोशन हुआ है वो यूरोप में, उसमें जो सेल्स है काउ प्रोडक्ट की सेल्स वो ज़्यादा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप एशियन हॉलीडे प्रमोशन करें तो आप देखिए एशिया की हॉलीडे प्रमोशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, एशियन स्प्रिंग प्रमोशन करें ये ज़्यादा है, ये कंपेयर कर रहा है। अगर आप इसको कंपेयर को हटा देना तो ये सिंगल दिखाएगा। तो ये जो आपके पास फील्ड है ना, ये आपको एक्चुअल रीज़न प्रोवाइड करता है कि किसी रीजन में अगर मेरा सेल्स कम हो गया तो अब क्यों कम हुआ, वो आपको रीज़न प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर इस चार्ट को आप चाहते हैं कि मेरे रिपोर्ट में ऐड हो जाए, तो आप यहाँ से इसको जब जस्ट क्लिक करेंगे ना प्लस, तो ये आपके पास रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये आपने ये निकाला कहाँ से, एनालाइज का ऑप्शन ऑप्शन कहाँ से आता है ये? एक मिनट बता रहा हूँ, मैं गायब हो गया, ये कि जगह नहीं था ना, जिस ग्राफ को एनालाइज करना है उस पर राइट क्लिक करें और एनालाइज पे चले जाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये फील्ड सब किसी ग्राफ में डिसेबल भी आपको मिलेगा, जहाँ ये फीचर एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे ये फीचर डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल ले लें, मैं पेज 3 पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई ग्राफ है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो आ ही नहीं रहा, ठीक है। फोर्थ में कुछ पे ग्राफ है नहीं अभी, अब ये सिटी वाइज है बहुत ज़्यादा वैसे ही है। एक और मैं आप चलो ग्राफ लेकर के आपको इसका दिखाते हैं, कोशिश करता हूँ कि इसका आपको वो नज़र आ जाए, इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट। एक्स एक्सेस पे मैं लेता हूँ, फर्ज कर लें एयर लेता हूँ, और वाई एक्सेस पे मैं लेता हूँ अपना सेल्स, ठीक है। देखिए सिंपल सा ग्राफ है, एयर वर्सेस सेल्स, ठीक है। इसमें लग रहा है 2012 में सबसे ज़्यादा था, 13 में कम हुआ, 14 में और कम हो गया सेल्स, ठीक है। अब मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ, भाई क्यों मेरा कम हुआ, एनालाइज उसे देखिए बहुत जल्दी बता दिया हमारा रिजल्ट क्या है एक्चुअली, कि 14 में जो है वो कम हुआ है ना। तो क्या कह रहा है, कंप्यूटर एक्सेसरीज विथ 10.9% ऑफ अ रिकॉर्ड, लैपटॉप विथ 5% 5.4% ऑफ अ रिकॉर्ड एंड मॉनिटर विथ 4.3% ऑफ रिकॉर्ड अमंग अदर्स मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कंप्यूटर जो है वो 10.9% रिकॉर्ड जो है वो कम हो गया। देखिए इफेक्ट और भी चीज़ें हुई हैं इसमें, इसके सेल्स को कम होने में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो किसका आया है, कंप्यूटर का, 10.9%, ठीक है। यानी 10.9% सेल्स जो है कंप्यूटर का 2014 में, ये ग्राफ में इधर करूँ, बल्कि इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए आया। आ गया, ठीक है। अब देखिए सही है, ये ग्राफ है, ये इसके एनालिसिस है, ये कह रहा है कि 2014 में सम ऑफ सेल्स ऑफ कंप्यूटर एक्सेसरीज, एक्सेसरीज जो कंप्यूटर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ, यानी कि इसका सेल्स सबसे ज़्यादा कम हुआ है, और कितना का कम हुआ वो यहाँ पे डाटा में आपको शो भी कर रहा होगा, कितने थाउजेंड कितने मिलियंस का। उसके बाद जो है 13 में जो है ये कंप्यूटर इतना कम हुआ था, 12 में था, लेकिन इसका मतलब है 2014 में कंप्यूटर की सेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुई है,
और भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आया वो किसका आया है, कंप्यूटर का आया है, समझ रहे। इससे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा था इसका जो डिस्क्रिप्शन था ये, देखिए दोबारा देखिए, कंप्यूटर 10.9% रिकॉर्ड कम हो गया, लैपटॉप 4.5% रिकॉर्ड कम हुआ सेल्स, और 4.3% मॉनिटर सेल्स जो है 2014 में कम सेल हुआ है, लिहाजा 2014 की सेल्स इसलिए कम हुई है, ठीक है। अमंग्स अदर मोस्ट इफेक्टेड, यानी कि और भी प्रोडक्ट जो है कम सेल हुआ है, लेकिन इनमें से ये टॉप 3 प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स 2014 में कम हुई है। कितनी कम हुई है, ऊपर आपको टैक्स में परसेंटेज वाइज बता रहा है, और यहाँ ग्राफ में आपको उसके अमाउंट बता रहा है कि इतना सेल्स कम हुआ है, सही है, समझ में आ रही बात। तो ये जो है आपके पास क्या हुआ, एनालिसिस का एक बड़ा अच्छा सा ये फीचर्स है, इसके ज़रिए आप अपने रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा इफेक्ट किस में कितना ज़्यादा या कम आ रहा है। स्मार्ट नैरेट, अच्छा यहाँ तक बताएं, इनफ है, ये आगे करें। अच्छा, सही है सही, चलें आप मगरबी पढ़ लें और